हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक 2021 पास होने के बाद चार नगर निगम के चुनावों का बिगुल बज गया है। राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। धर्मशाला सहित तीन नई नगर निगमों सोलन, पालमपुर और मंडी में चुनावी तिथियों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ इन चार जगहों पर आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। दोनों दलों ने निगम चुनावों के लिए पहले से ही कमर कस ली है। 22 से 24 मार्च को सुबह 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 25 मार्च को छंटनी होगी, जबकि 27 मार्च को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू होगी व उसी दिन चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। चार नगर निगमों का चुनाव टुटू, चौपाल व धर्मपुर ब्लॉक के पंचायत प्रधानों के साथ ही रखा गया है। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में चार नगर निगमों और 6 नगर पंचायतों के इलेक्शन का अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार 22, 23 और 24 को जो है इनकी नॉमिनेशन होंगे, 27 को विड्रॉल होगी और 7 तारीख को जो है वो सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक मतदान किया जाएगा और उसी दिन शाम को जो है मतगणना हो जाएगी, क्योंकि ईवीएम्स के ऊपर है ये, तो ईवीएम के मतदान के तुरंत बाद जो है वो मतगणना हो जाएगी, उसी दिन शाम तक जो है इनके परिणाम आ जाएंगे। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग 10 तारीख को पहले अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कुछ प्रधानों के टूटू, चौपाल और धर्मपुर मंडी के प्रधानों के निर्वाचन हो रहे हैं, वहां पे भी जो है 7 तारीख को ही पोल होगा और इन निर्वाचनों के लिए जो है वो टोटल लगभग 1,40,000 से ज़्यादा मतदाता जो है वो नगर निगमों के लिए, 15,000 से अधिक मतदाता नगर पंचायतों के लिए और लगभग 1,61,000 से ज़्यादा मतदाता जो है वो चौपाल, टुटू, धर्मपुर के लिए प्रधानों का निर्वाचन करेंगे और इसके लिए हमारे लगभग 534 मतदान दल जो है वो निर्वाचन के लिए निकलेंगे। नगर निकाय मंडी, धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और जो 6 दूसरी नगर पंचायतें हैं उसमें शिमला में नेरवा और चिड़गांव, कुल्लू में अन्नी और निर्मंड, ऊना में अम्ब और सोलन में कंडाघाट, ये 6 नगर पंचायतें हैं और 4 नगर निगमी हैं, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन। पीआर टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।